हेलो दोस्तों, आप लोग का इस वीडियो में स्वागत है। आज मैं आप लोग को बताने वाला हूं कि आप लोग अलजेब्रा और ज्योमेट्री में 1, 2, 3 नंबर का 1 मार्क, 2 मार्क और 3 मार्क का क्वेश्चन करके 30+ ला सकते हो। कैसे ला सकते हो? आप लोग को ये पूरा वीडियो आप लोग लास्ट तक देख लेते हो, 100% मैं ये गारंटी लेता हूँ आप लोग को 100% आप लोग का 30+ आएगा सिर्फ 1 मार्क, 2 मार्क और 3 मार्क का क्वेश्चन करके। आप लोग का जो महादेव सीरीज चालू था वो भी आप लोग बोलोगे तो वो भी मैं चालू करवा दूंगा। आप लोग के दीपक सर जो थे वो आ चुके हैं, वो आप लोग को महादेव जो सीरीज अलजेब्रा ज्योमेट्री पढ़ाते थे वो पूरा कंटिन्यू आप लोग बोलोगे तो वो भी चालू करवा दूंगा। बस आप लोग को ये पूरा वीडियो लास्ट तक देखो, 100% आप लोग को ये मालूम पड़ जाएगा कि 1 मार्क, 2 मार्क और 3 मार्क का क्वेश्चन करके आप लोग 30+ अलजेब्रा ज्योमेट्री में निकाल सकते हो कोई भी विदाउट टेंशन लिए। किस तरीके से करना उसको आप लोग को पूरा अच्छी तरीके से बस वीडियो देखना है। सबसे पहले यहां पे देखोगे, अच्छी तरीके से मैं लिखा हूं कि आप लोग ध्यान से देखोगे, सबसे पहले 10th अलजेब्रा ज्योमेट्री 1, 2, 3 मार्क क्वेश्चन, सिंपल सा 1, 2, 3 मार्क क्वेश्चन करके 30+, सिंपल सा करके 30+ कैसे लाएं अलजेब्रा और ज्योमेट्री में 30+। ध्यान से देखना, आप लोगों को सब समझ में आ जाएगा। यहाँ पे देखोगे सबसे पहले किस तरीके से पेपर आता है वो तो समझ में आना चाहिए, कौन सा क्वेश्चन किस में आता है। सबसे पहले यहाँ पे देखोगे आप लोग क्वेश्चन में जो पहला रहता है उसे ए और बी रहता है, ए और बी पहले क्वेश्चन में ए और बी आता है। सबसे पहले ए वाले में क्या रहता है, चॉइस द करेक्ट अल्टरनेटिव, सिंपल से चॉइस द करेक्ट अल्टरनेटिव, मतलब 4 ऑप्शन दिया रहता है उसी में से चुन के आप लोगों को आंसर लिखना रहता है, इजी रहता है। बस आप लोगों को ध्यान से देखोगे 4 नंबर के लिए रहता है, 4 क्वेश्चन दिया रहता है, 4 नंबर के लिए 4 क्वेश्चन दिया रहता है एक एक नंबर का। उसके बाद आप लोग बी वाला इसमें देखोगे तो इसमें भी आप लोग को बी वाले में सॉल्व द फॉलोइंग क्वेश्चन 4 दिया रहेगा, वो भी 4 एक एक नंबर का ही रहता है, 1-1 मार्क का। सोचो 1-1 मार्क का पहला वाला क्वेश्चन आप लोग का रहता है, क्वेश्चन में पहला ए और बी। अब उसके बाद आप लोग को दूसरा वाला देखोगे यहाँ पे क्वेश्चन में दूसरे में ए और बी इसमें भी आता है, ए और बी इसमें किस तरीके से रहता है देखोगे यहाँ पे कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटी करना रहता है, एक्टिविटी दिया रहता है। एक्टिविटी मतलब कि आप लोग को भरने के लिए बस उसमें जितना पूछा जाए उतना ही आप लोग को भरना रहता है, सॉल्व करके जितना उसके अंदर खाली फिलिंग द ब्लैंक्स दिया रहेगा उतना ही करना रहेगा। इसमें क्या करना रहता है, एनी टू करना रहता है, 4 नंबर के लिए रहता है, 2-2 नंबर का, ध्यान से देखना 2-2 नंबर के लिए रहता है। और इसमें कितना दिया रहता है, 3 दिया रहता है, 3 में से क्या करना रहता है, सिर्फ 2 क्वेश्चन करना रहता है। कितना इजी, आप लोगों को पैटर्न ही कोई स्कूल में नहीं बताया, आप लोगों को अभी तक पैटर्न ही नहीं मालूम है किस तरीके से पेपर अलजेब्रा ज्योमेट्री का बनता है, किस तरीके से बोर्ड का एग्जाम होता है, किस तरीके से प्रीलियम, बस आप लोग का प्रीलियम जो चालू हुआ किस तरीके से पेपर हो रहा है, किस तरीके से जा रहा है, आप लोग कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है। बहुत सारा कमेंट आ रहा है सर क्या बताऊं, कुछ भी नहीं आ रहा है, बहुत सारा पढ़ा था किताब से सब कुछ, बाकी कहां से पेपर आ रहा है कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो आप लोग को बोल रहा हूं ना, अभी भी 35 दिन आप लोग के लिए बाकी, तो बस आप लोग बोलोगे तो महादेव सीरीज जो है आप लोग को स्टार्ट करवा दूंगा, उसमें 1 मार्क, 2 मार्क और 3 मार्क का चैप्टर वाइज पूरा क्लियर करवा दूंगा अलजेब्रा और ज्योमेट्री। बस आप लोग को एक कमेंट करने की जरूरत है। तो यहां पे देखोगे अब उसके नीचे आप लोग को इसमें बी वाला आता है, सॉल्व द फॉलोइंग, आप लोग का सॉल्व द फॉलोइंग रहेगा, एनी 4 करना रहेगा, ध्यान से देखना, एनी 4 मतलब 8 नंबर के लिए है, ए भी 2-2 नंबर का, कितने का, 2-2 नंबर के लिए ए भी चीज है। उसके बाद आप लोग देखोगे यहाँ पे इसमें कितना 5 दिया रहता है, 5 में से कोई भी आप लोग को 4 अटेम्प्ट करना, कितना 4, अलजेब्रा और ज्योमेट्री का सेम पैटर्न है, अलजेब्रा और ज्योमेट्री का सेम पैटर्न है 2023 का किस तरीके से पेपर है वो चीज बता रहा हूँ, और इजी, इतना इजी बता रहा हूँ दोस्तों। बस आप लोग ये पैटर्न समझ गए प्लस कितने नंबर का क्वेश्चन करके आप लोग 30+ आएगा वो इजिली आप लोग ला सकते हो, बस आप लोग को समझना है किस तरीके से करना है पेपर। अब यहाँ पे देखोगे आप लोग क्वेश्चन नंबर जो तीसरा रहता है उसमें भी ए और बी करके आता है, इसे कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटीज, इसके अंदर भी एक एक्टिविटीज दिया रहता है, एनी 1 करना रहेगा, वो भी कितने नंबर का, सिर्फ 3 नंबर के लिए रहता है, 3 नंबर का एक्टिविटी आएगा। और इसमें कितना दिया रहता है, 2 क्वेश्चन दिया रहेगा, एक एक्टिविटी बस जितना पूछा जाए उतना सॉल्व करके उसके अंदर लिखना रहता है। उसके बाद आप लोग देखोगे यहाँ पे बी वाले में सॉल्व द फॉलोइंग एनी 2 करना रहेगा, अब इसमें देखोगे 3 नंबर का क्वेश्चन आ रहा है, 3 नंबर का क्वेश्चन आ रहा है,
तो इसे एनी टू करना है, चार दिया रहेगा, कोई भी दो क्वेश्चन आप लोग को अटेम्प्ट करना रहेगा, दो क्वेश्चन। तो सिंपल सा इस तरीके से आप लोग यहाँ क्वेश्चन नंबर फोर यहाँ पे लिखा हूं क्योंकि जगह का प्रॉब्लम था, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फोर वाला सिर्फ आप लोग चार चार नंबर का क्वेश्चन रहता है। चार नंबर का अगर क्वेश्चन आप लोग नहीं अटेम्प्ट करते तो भी आप लोग इजिली आप लोग अच्छे से 32 प्लस आ जाएगा, 30 प्लस बोल रहा था, वो भी आठ नंबर यहाँ पे है, 40 से आठ नंबर आप लोग निकाल दो तो भी 32 आएगा नंबर, 32। सोचो कुछ नहीं करना है, चार वाला नंबर आप लोग करना ही नहीं है तो भी आप लोग का 32 आ रहा है, सोचो। तो आप लोग बस इतना करना है कि आप लोग बस कमेंट करना है सर महादेव सीरीज आप स्टार्ट करो, बस आप लोग जितना रिस्पांस आप लोग दिखाओगे कि आप लोग चाहिए तो आप लोग बस हम लोग स्टार्ट कर देंगे महादेव जो सीरीज है उसमें आप लोग अल्जेब्रा ज्योमेट्री सब क्लियर हो जाएगा, एक मार्क का क्वेश्चन, टू मार्क और थ्री मार्क का सब एक्टिविटी के माध्यम सब कुछ क्लियर करवा के दे दूंगा। बस आप लोग क्या करना है, कमेंट करना और जितना हो सकता है इस वीडियो को शेयर करना है, बस यही देखना है कि कितना शेयर होता है, और इसे 500 लाइक देता हूं आप लोग को, बस 500 लाइक कर दो आप लोग 100% मैं बोलता हूं आप लोग महादेव जो सीरीज है स्टार्ट हो जाएगा। महादेव सीरीज आप लोग का दिन भर में वीडियो लेक्चर जो आएगा उसमें से आप लोग का चैप्टर वाइज आएगा पूरा वन शॉर्ट वीडियो आप लोग के लिए लेकर आऊंगा, वन मार्क का, टू मार्क का, थ्री मार्क का क्वेश्चन अलजेब्रा ज्योमेट्री का। बस आप लोग को क्या करना है, जितना हो सकता है इस वीडियो को शेयर करना अपने दोस्तों में। अब यहां पे देखो क्वेश्चन नंबर जो फाइव है, एनी वन करना है तीन नंबर के लिए, सोचो एनी वन करना है तीन नंबर के लिए, दो क्वेश्चन दिया रहेगा, कितना दो क्वेश्चन दिया रहेगा, सिर्फ आप लोग क्या करना है, सिर्फ इसमें से एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करना। सोचो अब बताओ आप लोग कि आप लोग का इजी है कि नहीं, आप लोग को सोच रहे थे इतना बड़ा बड़ा क्वेश्चन रहेगा, सिर्फ वन मार्क, टू मार्क और थ्री मार्क का क्वेश्चन करके 100% 32 नंबर ला रहे हो। तो आप लोग को ये वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके बताना, चैनल पे फर्स्ट टाइम है तो 100% चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरीके से इन्फॉर्मेशन भरी हुई वीडियो के साथ।